हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टेली सफर। सो फ्रेंड्स, सोनी टीवी का हर दिन टीआरपी गेन कर रहा टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में हर वीकेंड कंपटीशन टफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, बेस्ट परफॉर्मर्स बॉटम तक पहुंच रहे हैं। एलिमिनेशन की खबर देने से पहले एक खबर बता दें कि इस वीकेंड शिल्पा शेट्टी जज की चेयर से एबसेंट थी, तो उन्हें रिप्लेस करके मलाइका अरोड़ा ने परफॉर्मर्स और जजेस के साथ की खूब सारी मस्ती। निराश ना हो, शिल्पा शेट्टी जल्द ही कमबैक करेंगी। वहीं दूसरी तरफ इस शो में हुई शॉकिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, यूफनी ग्रुप ने अपनी धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री से जजेस और बाकी परफॉर्मर्स को बता दिया कि वो और स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आए हैं। चलिए अब बता ही देते हैं कौन से परफॉर्मर बॉटम में पहुंचे और किसका सफर आईजीटी से हुआ खत्म। तो पब्लिक वोटिंग और जजेस के स्कोर्स के बाद दो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स बॉटम में आए, जो थे बैड सालसा और डिमोलिशन डांस ग्रुप। इवेंचुअली जजेस को ही डिसाइड करना था कि कौन से परफॉर्मर की जर्नी होगी कंटिन्यू, तो जजेस ने डिमोलिशन ग्रुप को जर्नी कंटिन्यू करने के लिए चुना। वहीं बैड सालसा का इंडियाज गॉट टैलेंट का सफर हुआ खत्म। सो जजेस के डिसीजन को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।